हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, अभी हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट की रिगार्डिंग। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आज आरआरबी पटना चेयरमैन सर से मिलने के लिए 28/11/2022 की डेट में एक मीटिंग रखा गया था पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। और उसके बाद आरआरबी पटना चेयरमैन सर से मिलने के लिए सभी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट गए थे और वहाँ पर अपना विज्ञापन भी सौंपे थे, ठीक है। और उन्होंने आरआरबी चेयरमैन सर से भी बात किया। चलिए फ्रेंड, आपको बताते हैं कि आज आरआरबी पटना चेयरमैन सर से क्या बातें हुई। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, एक विद्यासागर जी है जो कि एक अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है, जो कि हमेशा अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के साथ खड़ा रहते हैं और जहाँ भी बुलाते हैं, ठीक है, अप्रेंटिसशिप के मैटर को लेकर के वो चले जाते हैं, ठीक है, और हमेशा अप्रेंटिसशिप की मांग उठाए हैं नौकरी को लेकर के। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विद्यासागर जी है जो कि आज, ठीक है, आरआरबी पटना क्या क्या बातें हुई आरआरबी चेयरमैन सर से, उन्होंने शेयर किया है, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे 28/11/2022 का न्यूज़ क्या है, आज हमारा साथ, ठीक है, आज हमारा साथ देने 40 लड़के आरआरबी पटना आए थे, ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट थे अप्रेंटिसशिप के वह वहाँ पर पहुँचे थे, लगभग 40 लड़का ही वहाँ पर पहुँच पाए, ठीक है। हम सभी लोग मिल के लेटर दिए और आज हमारी बात चेयरमैन के केबिन में भी हुई, जो कि हम अपने साथ एक लड़का एजाज भाई को लेकर के चेयरमैन के केबिन में 12 मिनट तक की बात की है, ठीक है। तो इनका जो बात हुआ चेयरमैन सर से, विद्यासागर जी का, लगभग 12 मिनट तक की बात हुई और इन्होंने अपना मुद्दा, ठीक है, अपना मैटर चेयरमैन सर के सामने रखा। हमने अपना मुद्दा चेयरमैन राजेश कुमार के सामने रखा, जो कि आरआरबी पटना के चेयरमैन हैं। चेयरमैन साहब ने कहा कि आप लोग 12/4/2019 के बाद है, ठीक है, तो आप लोग का वैलिड नहीं है, यानी कि आपका जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ है वो 12/4/2019 के बाद हुआ है, इसलिए आपको कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ये आरआरबी चेयरमैन सर का कहना था, और हम अगर कोशिश भी करते हैं तो आप लेट कर चुके हैं, यानी कि आरआरबी चेयरमैन सर बोल रहे हैं कि अगर हम कोशिश भी करते हैं तो आप लेट कर चुके हैं। अब आज कल में रिजल्ट आने वाला है, तो इन्होंने रिजल्ट को लेकर के बड़ी अपडेट्स दी है कि आपका जो रिजल्ट है वो आज कल में पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि हम आपके लेटर को, ठीक है, हम आपके लेटर को रेल मंत्रालय भेज देते हैं। ये आरआरबी चेयरमैन सर कह रहे थे कि आपका जो लेटर है वो हम रेलवे मंत्रालय को और PMO ऑफिस को ये सेंड कर देते हैं, और अब जो भी कर सकते हैं वह PMO ऑफिस या रेल मंत्रालय का ऑर्डर आएगा तो कुछ हो सकता है, और बचा हुआ सीट जनरल में ही जाएगा। यानी कि इन्होंने, ठीक है, विद्यासागर जी पूछे थे कि सर हम लोग का जो सीट अप्रेंटिसशिप का बचेगा वह क्या नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होकर के आएगा, ठीक है। तो आरआरबी चेयरमैन सर का रिप्लाई था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप लोग का जो भी सीट बचेगा, ठीक है, वह जनरल कैंडिडेट को दिया जाएगा, यानी कि जनरल कैंडिडेट में कंसीडर कर लिया जाएगा। ये आरआरबी चेयरमैन सर का कहना था, ठीक है। और एक न्यूज़ पुराने लड़कों के लिए भी बताया है, ठीक है, जो कि जैसा चेयरमैन साहब ने बोला है कि ओल्ड के लिए वो बोलते हैं, वो बोले कि वैकेंसी ज़्यादा है, लड़का कम है, मतलब कंपटीशन है ही नहीं, ऊपर से 1+1 का ऑफर है, यानी कि एक सीट पे एक ही कैंडिडेट को मतलब बुलाया जाएगा, फिर भी तुम गधा लोग एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हो तो हम क्या कर सकते हैं। यही सब बातें हुई और भी बहुत बातें हुई, कुल मिलाकर हम लोग मॉडिफिकेशन लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं, ठीक है, और सारा सीट जनरल में जाएगा। तो ये सब बातें जो है, ये विद्यासागर जी से चेयरमैन सर से बात हुई थी, ठीक है। तो फ्रेंड, यही वो अपडेट्स था आज का जो पटना में जो मीटिंग रखा गया था उसमें। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट की।